अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार टू न्यूज़ चैनल। आपके अपने चैनल की तरफ से जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये कोलार वार्ड नंबर 22 न्याबदी मोहल्ले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर बिस्काम वालों की तरफ से इलेक्ट्रिक केबल का एक टीसी का काम मुकम्मल होते हुए आप देख सकते हैं। आपके अपने इस कोलार टू न्यूज़ चैनल की तरफ से हम बताते चले, एक टीसी से दूसरे टीसी तक ये जो न्याबदी मोहल्ले में अंजुमन शादी महल से लेकर कीलकुट्टे का जो रास्ता है वहाँ तक मेन रोड तक का 1000 मीटर का एक केबल का काम सवेरे 10 बजे से शाम के 5:30 या 6 बजे तक ये काम मुकम्मल हुआ। ये सारा काम बिस्काम वालों की तरफ से कोलार वार्ड नंबर 22 के काउंसलर के शोहर मोहम्मद रफ़ी के निगरानी में काम मुकम्मल होते हुए आप देख सकते हैं आपके अपने इस कोलार टू न्यूज़ चैनल के ज़रिए। जैसे ही शाम हुई, जल्द अज़ जल्द इस काम को मुकम्मल करते हुए वहाँ पर एक टीसी में जितने घर आते हैं उनको घरों को करंट देने का काम मुकम्मल हुआ। तो आप देख रहे हैं आपके अपने इस चैनल की तरफ से ये केबल इसलिए बदलाया गया है, जब पहले बरसातों होती थी और ज़ोरदार हवाएं चलती तो शॉर्ट सर्किट हो जाते थे। उस शॉर्ट सर्किट से बहुत सारे कंप्लेंट हुआ करते थे, घरों में टीवी, पानी की मोटर और जैसे यूपीएस, फ्रिज, ये सब शॉर्ट हो जाते थे। तो इसलिए उन वायरों को निकाल कर एक ही केबल जो रबर की होती है उसके अंदर जो वायरें होते हैं उससे कुछ ज़ोरदार हवाएँ आए या ज़ोरदार बारिश हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी केबल 1000 मीटर की वार्ड नंबर 22 में जो छोटे छोटे गलियां होती हैं, जो घरों के सामने वगैरह जाया करते थे, इस वजह से वहां पर डर और खौफ का माहौल होता था। तो इसलिए वो केबल निकाल कर, वगैरह निकाल कर एक नई केबल का तरीक़ा बिस्काम वालों ने आजमा कर वहाँ पर डाला जा रहा है। तो पुराने वगैरह निकाले गए हैं, पुराने टूल्स पूरे निकाल कर एक केबल जो आप देख रहे हैं ब्लैक ये केबल होती है, ये केबल जो आप देख रहे हैं ये केबल पूरे 1000 मीटर की वहाँ पर मुकम्मल एक टीसी से दूसरी टीसी तक डाला गया है। ये सारा काम आप देख रहे हैं मोहम्मद रफ़ी ने खड़ कर वहाँ पर सारा काम मुकम्मल करते हुए आपके अपने इस कोलार टू न्यूज़ चैनल ज़रिए। अगर आपको ये तस्वीर और वीडियो पसंद आए हो तो आपके दोस्तों अहबाब के मोबाइल तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।